बिहार में शराबबंदी है और इसके बावजूद भी आसानी से शराब मिल रहे हैं, जिसको लेकर सीएम नीतीश कुमार ने भी चेतावनी दी थी। और इस वक्त की जो बड़ी खबर बेतिया से निकलकर सामने आ रही है, करीब घंटों भर कई राउंड फायरिंग हुई है, 23 खोखा भी बरामद किया गया है और जिसमें एक शराब कारोबारी को गोली भी लगा। ये बड़ी खबर बेतिया से हम आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने गंडक दियारा में छापेमारी करने गई शराब की सूचना मिलने पर और वहां ताबड़तोड़ कई राउंड जमकर फायरिंग हुई। दो तरफी फायरिंग में एक शराब कारोबारी की मौत भी हुई है और यह बड़ी खबर शराब माफियाओं से जुड़ा हुआ। जब से बिहार में शराबबंदी लागू हुई है, जब से पुलिस रेड मारने जाती है, तो पुलिस पर ही शराब कारोबारियों द्वारा हमला बोल दिया जाता है, जिसमें ताबड़तोड़ घंटों कई राउंड गंडक दियारे के नदी के किनारे ताबड़तोड़ फायरिंग हुआ है। देखिए इस खबर को। समझ गए नहीं, हम गिना गए। ऊपर जाए व्यक्ति एक पर भी रहे यही पारे पर कहला जो पर जाए हो सब गाड़ी हट जाना चाहिए तन सामने थोड़ी मार दो Thank you.
तो आपने देखा कि शराबबंदी के बावजूद भी बिहार में आसानी से शराब मिल रही है, जिसकी सूचना पाकर बेतिया पुलिस गंडक किनारे यानी दियारा क्षेत्र में रेड मारने जाती है और उसी दरमियान शराब कारोबारियों द्वारा गोलीबारी की जाती है, जिसमें पुलिस भी जवाबी कार्रवाई में 11 राउंड गोली चलाती है और 23 खोखा मौके पर से बरामद होता है, जिसको लेकर एक शराब कारोबारी की गोली लगती है और उस इलाके में करीब 15 से 16 घंटे तक हड़कंप मचा हुआ था और गंगा दियारा एक रण क्षेत्र बना हुआ था और शराब कारोबारी और पुलिस के बीच घंटों मुठभेड़ हुआ। एक और सीएम नीतीश जनता दरबार करते हैं और दूसरी ओर शराब खोजने पुलिस जाती है तो पुलिस पर ही गोलियों से कहर बरसाया जाता है।